ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन पहुंच गए हैं, जहां पर मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मेंटर कैसे चूज़ करना चाहिए, राइट। अब ये मेंटरशिप मैंने आपको बता दी, राइट। ये सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका हूं मैं। यहां पर आपको मैं कुछ बोनस लेक्चर देना चाहता हूं, राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये बोनस है रिज्यूम बिल्डिंग, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड नो व्हेन यू आर रेडी एंड देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू, राइट, व्हिच विल कम एट द एंड। सो रिज्यूम बिल्डिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, राइट। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ 800 से 900 रिज्यूम देखे हुए हैं, जिसमें मैंने कुछ 200 से 300 इंटरव्यू लिए हुए हैं डिफरेंट फ्रेशर्स के, ठीक है। और मैं एक बात बहुत कॉमन देखता हूँ उन उन फ्रेशर्स में, और आई एम अज्यूमिंग कि आप फ्रेशर्स हैं या फ्रेशर हैं या फिर आप 2-3 साल तक के एक्सपीरियंस हैं, वो ये है कि मैं मिस्टर फ्रेशर बना था, राइट। मैं फुटबॉल चैंपियन हूँ, राइट। मैं चेस चैंपियन हूँ, राइट। मैंने सिंगिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जीता था, राइट। मैं इंटर स्टेट लेवल का TT चैंपियन हूँ। अगर आप किसी स्किल में इतने अच्छे हैं, तो फिर आप यहाँ जॉब क्यों करने जा रहे हैं? आप उस स्किल में क्यों नहीं आगे बढ़ते, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर डेटा साइंस की जॉब ऑफर करना चाहता हूँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ट्रस्ट मी, इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आपने चेस चैम्पियनशिप जीती थी, आपने आपने कोई कोई कंपटीशन में आपने रंगोली बनाई थी और फर्स्ट प्राइज जीता था, और आपने फैशन परेड में पार्ट लिया था और यू स्टूड सेकेंड देयर। इन सब से मुझे कुछ मतलब नहीं, दीज आर ऑल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको ये रिज्यूम में जगह बनानी है, तो बिल्कुल साइड में नीचे कहीं शॉर्ट में लिख दीजिए कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, अगर अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। ये सब चीज़ें जेनेरिक इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छी होती हैं, अदरवाइज़ इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई भी आपसे फैशन परेड, मतलब मुझे क्यों चाहिए कोई भी बंदा जो फैशन में, फैशन कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आया हो? मुझे क्यों चाहिए कोई बंदा जो चेस कंपटीशन में फर्स्ट आया? मैं किसी बंदे को 50,000 की सैलरी, 60,000 रुपए की सैलरी इसलिए दूंगा क्योंकि वो चेस कंपटीशन में फर्स्ट आया था स्कूल लेवल के या कॉलेज लेवल के? डजंट मैटर। आपके रिज्यूम में सिंपल चीज़ें, बहुत सारे लोग रिज्यूम भी कॉपी कर लेते हैं, राइट। आपके रिज्यूम में सिंपल चीज़ें होनी चाहिए, राइट। पहला चीज़ें क्या होनी चाहिए? पहला चीज़ें होनी चाहिए आपका नाम होना चाहिए, राइट। आपका नाम होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, राइट। दिस इज़ द बेसिक थिंग। उसके बाद आपकी करंट लोकेशन होनी चाहिए, करंट लोकेशन, सिंपल करंट लोकेशन होनी चाहिए, और आपकी प्रेफर्ड लोकेशन होनी चाहिए, प्रेफर्ड लोकेशन होनी चाहिए, दैट्स इट, ये होना चाहिए। और उसके बाद आपका 3 से 4 लाइन में, वो भी पॉइंटर्स, पॉइंटर्स 3 से 4 लाइन, वो भी पॉइंटर्स, ये होना चाहिए कि आपकी एजुकेशन क्या है, राइट। सपोज आपकी एजुकेशन क्या है, राइट, ठीक है। और वो भी एजुकेशन का पार्ट क्या होना चाहिए? एजुकेशन में मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ, राइट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया हुआ, राइट। तो एजुकेशन आपकी लास्ट में होनी चाहिए, राइट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दिखाता हूँ। एजुकेशन आपकी लास्ट होनी चाहिए कि आपने यहाँ से ये ग्रेजुएशन में किया, ये किया है, 12th आपने ये किया है, राइट, और 10th आपने यहाँ से किया है, एंड ब्ला ब्ला स्टफ, राइट। और लास्ट में सेकेंड पेज पर होना चाहिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। ये जो फर्स्ट पेज है ना, इस फर्स्ट पेज में सिर्फ आपके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। आपके स्किल्स क्या क्या हैं, राइट, स्किल्स क्या क्या हैं। दूसरा, आपकी स्किल्स में प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है, प्रोफिशिएंसी, राइट। तीसरी चीज़, आपका सर्टिफिकेट, आपने कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है अगर, तो वो सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। तीसरा आपका होना चाहिए कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट नंबर 1, प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड प्रोजेक्ट नंबर 3। ये 3 प्रोजेक्ट आपके पास अगर हैं, अब ये सोचो, अगर आपसे कोई बंदा जब इंटरव्यू ले रहा है, राइट, आपसे कभी नहीं पूछेगा कि ग्रेजुएशन में, बहुत कम लेवल पे जेनेरिक इंटरव्यूज होंगे, अगर आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो रहा है तभी आपसे पूछा जाएगा कि आपका CGPA क्या है, आपकी परसेंटेज कितनी बन रही है, या ये सब चीज़ें, ठीक है, जेनेरिक इंटरव्यू में। अगर कहीं पे भी आप स्किल बेस्ड इंटरव्यू देने जाओगे, जहाँ पर भी आप जाओगे, तो आपसे स्किल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात, स्किल्स पूछे जाएंगे, आपके स्किल्स क्या हैं। तो आप अपने यहाँ पे स्किल्स बताओगे कि मेरे पास ये 3 स्किल्स हैं, मेरी स्किल में प्रोफिशिएंसी, मैं अपने आप को 10 में से कितना रेट करता हूँ, मेरे पास ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं इस चीज़ के,
और ये प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया, इस प्रोजेक्ट पे मैंने जो है तकरीबन तकरीबन 200 आवर्स काम किया है। 200 आवर्स का मतलब है 8 आवर्स पर डे, ठीक है, 200 आवर्स काम किया हुआ, राइट। इस वाले प्रोजेक्ट पे मैंने 50 आवर्स काम किया हुआ है, राइट, और इस वाले प्रोजेक्ट पे मैंने कुछ 150 आवर्स काम किया हुआ है, राइट। अब किसी प्रोजेक्ट पे अगर आपने 200 घंटे काम किया हो तो जाहिर सी बात है उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको सब पता रहेगा। वो बंदा जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो इस ही इतने प्लेस पर ही खेल जाएगा, वो इसके आगे जाएगा ही नहीं। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लोग करते क्या हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप लोग करते ही हैं कि आपका सीवी है, उसके सीवी में आपके बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हुई हैं, राइट, जो कि उसके मतलब ही नहीं है। तो वो यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है, यहाँ से देखता है, यहाँ देखता है, कहता है ये कुछ काम का नहीं है, राइट। 10-20 सेकेंड देखते हैं लोग सीवी, अगर आपने इंटरव्यू दिया है तो आपको भी पता है 10-20 सेकेंड सीवी देखा जाता है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 20 सेकेंड्स होते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। 20 सेकेंड्स वो अपना सीवी देखेगा, उसके बाद बोलेगा आप ही बताओ अपने बारे में कुछ, ठीक है। अब अगर आप नहीं, आप जो भी अपना इंट्रोडक्शन दोगे उसने बता दिया, उसके बाद यहाँ पे जो इंटरव्यूअर बैठा है, जस्ट इमेजिन करो यहाँ पर एक इंटरव्यू बैठा है और यहाँ पर आप बैठे हो, राइट। ये बंदा वो पूछेगा जो उसको आता है, राइट, हिज एक्सपर्टाइज, ठीक है, वो पूछेगा जो उसको आता है, राइट। और ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो उसको आता है वो आपको भी आता हो, ये कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है, राइट। तो अगर तो आपने इसके 20 क्वेश्चन जो इसकी एक्सपर्टाइज हैं वो आपने आंसर दे दिए तो आप सेलेक्ट हो, राइट, अदरवाइज आप सेलेक्ट नहीं हो। सिंपल सी बात समझो इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आ रहा है ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने इस बंदे को ये बोला कि मैंने प्रोजेक्ट नंबर वन बनाया है, राइट, ये मैंने प्रोजेक्ट नंबर टू बनाया है, ये मैंने प्रोजेक्ट नंबर 3 बनाया है, तो इस बंदे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, कि वो अपनी एक्सपर्टाइज में से कुछ पूछे। ही इज सपोज टू आस्क यू फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3। अब ये बंदा अगर बिल्कुल ढीट होगा तो वो आपसे कुछ भी पूछता रहेगा, फिर पहुंच जाएगा अपने एक्सपर्टाइज पे, अगर उसे कुछ नहीं आता होगा तो। लेकिन अगर उसे जरा सी भी नॉलेज होगी ना, जिस जो और वो इंटरव्यू वही बंदे लेते हैं जनरली जिनको उस डोमेन की नॉलेज होती है, तो अगर वो जरा सा भी एक्सपीरियंस है इन प्रोजेक्ट में तो वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना शुरू कर देगा। अब ये समझो, आप पूरी दुनिया में इतने लोगों में से कोई भी आपका इंटरव्यू ले सकता है, पूरा प्लेग्राउंड है, ठीक है, वो पूरा प्लेग्राउंड है, उसके पास पूरा प्लेग्राउंड है, राइट, और आप यहाँ पे खड़े हो, राइट, आप यहाँ पे खड़े हो इंटरव्यू देने के लिए, राइट, वो आपसे पूछेगा और आपको पूरे ग्राउंड में भगाता रहेगा और आप कोई भी आंसर नहीं दे पाओगे और अल्टीमेटली आप बोलोगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। एक हो गया ये तरीका, राइट, जिसमें आप उसके भरोसे पर हो, उसको जो आता है और उसको जो नहीं आता है। एक तरीका हुआ कि आपने बोला कि भाई साहब मेरे पास मेरी ये नॉलेज है, ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड में मैंने इतना पार्ट जो है प्रोजेक्ट नंबर 1 को दिया था, इतना पार्ट मैंने प्रोजेक्ट नंबर 2 को दिया था और ये मैंने इतना पार्ट प्रोजेक्ट नंबर 3 को दिया था, मेरे ग्राउंड में आओ। जब आपने उसको अपने प्रोजेक्ट बता दिया ना तो वो आपके ग्राउंड में आ गया, जब वो, और क्योंकि आपने उस पर काम किया हुआ है इसलिए आपको इस ग्राउंड की हर चीज पता है, तो जब वो आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपके पास 200 के 200 आंसर होंगे, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को आपने आंसर करने में 2 से 2.5 मिनट ले लिए, 2 से 3 मिनट अगर आपने क्वेश्चन को ले लिए तो ये क्वेश्चन 60 मिनट चला, राइट, 60 मिनट चला ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर 60 मिनट चला, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज गेटिंग क्लोजर टू 100%, राइट, ये जो 20 क्वेश्चन आपने आंसर किए, आपने सारे क्वेश्चन आंसर किए, यू आर 100% सेलेक्टेड। वो सिंपल सीधा इतना पूछेगा कि आपकी पैकेज की एक्सपेक्टेशन क्या है, सिंपल। आपको उसके ग्राउंड में नहीं जाना है, आपको उसको अपने ग्राउंड में लेकर आना है, उसको अपने ग्राउंड में लेकर आओ, अपने ग्राउंड में उससे बोलो कि मैम ये मेरा ग्राउंड है, इसमें मुझे सब पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें एक्चुअल में 500 घंटे लगाए हैं, मुझे बताओ तुम क्या क्वेश्चन ऐसे पूछोगे जो मुझे नहीं आता है इसमें। जब वो ये समझ लेगा कि इस बंदे ने 3 प्रोजेक्ट किए हैं और इस तीनों प्रोजेक्ट के बारे में इसे सब कुछ पता है, देन यू आर सेलेक्टेड, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट कौन से करने चाहिए, आस्क योर मेंटर, राइट,
आस्क योर मेंटर, ठीक है, कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए जहां पे मैं इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकूं कि मेरा जो बंदा है ना वो इसके अलावा कहीं जाए ही ना, राइट। वो आपसे इनकी हर चीज, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीज पूछने की कोशिश करेगा। और क्योंकि आपने प्रोजेक्ट एक एक लाइन अपने पास से कोड किया है, एक एक चीज अपने पास से, अगर आप रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट कर रहे हो, एक एक सेमी कंडक्टर, एक एक कंडक्टर, एक एक रेजिस्टेंस आपने खुद समझ के लिया है, तो आप हर चीज इसके बारे में बता पाओगे, राइट। तो प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोडिंग का कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कोई भी कोई एप्लीकेशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा बनाना चाह रहे हैं। आपको उसके ग्राउंड में नहीं दौड़ना है, उसको आपको अपने ग्राउंड में बुलाना है उसको, ठीक है। जब उसने आपने आपने उसको अपने ग्राउंड में बुला लिया, फिर तो आप चैंप हो, आप तो राजा हो, फिर आप जो चाहोगे उससे उसे वो आंसर दोगे, जैसे चाहोगे उसे खिलाओगे, राइट। आपको उसके ग्राउंड में नहीं जाना है, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपना रिज्यूम को इतना जेनेरिक बना देते हैं कॉपी पेस्ट कर करके, कि वो फिर मतलब किसी काम का नहीं रहता। और फिर जब वो देखता है कि यार ये तो जेनेरिक इंटरव्यू है, कॉपी पेस्ट लग रहा है, डिज़ाइन फॉन्ट सब कुछ सेम है, इसने मतलब कॉपी पेस्ट किया, चलो फिर मैं पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन, नहीं वो नहीं करना है। आपके पास अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं ये बोलूँगा कि चाहे आप अभी सिक्स सेम में हैं, सेवन्थ सेम में हैं, एट सेम में हैं, थर्ड ईयर में हैं, किसी अपने ग्रेजुएशन के या सेकंड ईयर में, आपको आज से ही प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू होना चाहिए। नाउ आप बोलोगे सर मैंने तो कम्प्लीट ही नहीं किया, मैं कैसे काम करना शुरू करूँ। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये समझो, राइट, कॉलेज एजुकेशन इज नॉट इक्वल टू द वर्क विच इज़ हैपनिंग, राइट। ये जो 20 साल पहले जो काम होता था, 20 साल पहले, 20 ईयर्स अगो जो काम होता था, उसमें जो लोगों ने एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने बुक लिखी, और वो बुक आज आप कॉलेज में पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है, ये बात समझ लो अच्छे से। तो कॉलेज में जो आप पढ़ रहे हो ना, ये 20 साल पहले वर्क होता था, और आज के टाइम में हर 4 से 5 साल में ना टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो जब टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है तो आपको चेंज को अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर आप चेंज अडाप्ट नहीं करते हो तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे, आपको जॉब मिलने में उतनी ही दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशल, आप ये समझ लो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। पहली जॉब क्यों अच्छे लेवल की इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखो यहाँ पर समझो, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सपोज किसी बंदे का 5 लाख का पैकेज लगा, ठीक है, 5 लाख का पैकेज लगा, और हर साल उसको 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जो भी इसकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1.1 से, ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू, तो इसका इतना इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि एक साल के बाद उसकी यहाँ पर सैलरी आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो यहाँ पर 10 साल तक एक्सटेंड करते हैं इसको, और यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 10 साल तक। ध्यान से समझो इसको, मैं जो कुछ कैलकुलेशन दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर समझो इसको, देखो, ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर मैंने पहली जॉब 5 लाख रुपए से स्टार्ट की, ठीक है, तो मेरा पहला इंक्रीमेंट तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स पहला इंक्रीमेंट तो मेरा 0 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ये मेरा इंक्रीमेंट एक साल के अंदर 0 ही रहेगा, ऑलमोस्ट 0 ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ से मेरा इंक्रीमेंट शुरू होगा जब एक साल कम्प्लीट हो गया। तो अगर मैं एक साल कम्प्लीट करते करते, राइट, पहला मेरा हुआ 10% का अप्रेजल, 10% का होता भी नहीं, कई ऑर्गेनाइजेशन में 7-8% की भी होता है, राइट, कई ऑर्गेनाइजेशन में 20% भी होता है, ठीक है। तो अगर मैंने कोई ऐसा ही लचर स्किल जो है चूज कर लिया है, ठीक है, 10% का मैं मान के चल रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, 10% का अप्रेजल दे रही है, तो ये हुआ एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पाँच साल, ठीक है, छः साल, सात साल, आठ साल, नौ साल, और 10वें साल में मैं कहाँ पर बैठा हूँगा, इस पैकेज पे बैठा हूँगा। 10वें साल में मेरा जो पैकेज होगा 10 साल के एंड में वो ये होगा, राइट, 10वें साल में मेरा ये पैकेज होगा, राइट, 11,78,000 रुपये, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है,
दसवें साल में मेरा ये पैकेज होगा 11 लाख 78 हज़ार, मोटा मोटा समझ लो 12 लाख रुपए का, ठीक है। पर अगर मैंने आज कोई ऐसा स्किल चूज कर लिया जिसमें लोगों की डिमांड कम है और अप्रेजल अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है, मैं इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, सिर्फ इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें सेम डेटा, और मेरा पहला पैकेज जो लगा, ठीक है, वो 5 लाख का ना लग के, 5 लाख का ना लग के सपोज मेरा 8 लाख का पैकेज लगा, ठीक है। अब ये जो 8 लाख का मेरा पैकेज लगा, ठीक है, तो मेरा आठ पहले साल तो मेरा 8 लाख रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कितना डिफरेंस आ रहा है 10 साल के अंदर, समझो इस डिफरेंस को, ये है ऑलमोस्ट 12.5 लाख, यह है ऑलमोस्ट 19 लाख, 7 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है 10 साल के अंदर, ठीक है, 7 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 3 लाख का डिफरेंस नहीं है ये, ठीक है, ये 3 लाख का डिफरेंस नहीं है सिर्फ, ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है 7 लाख का, 10 साल में 7 लाख रुपए। अब ये 7 लाख रुपए समझो, अगर इसको मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करूं तो 55,000 रुपए साल तुम एक्चुअली लूज करते जा रहे हो, और वो भी मैं तब बोल रहा हूँ जब तुम सिर्फ 10% का गेन कर रहे हो, राइट, सिर्फ 10% का गेन कर रहे हो, तुम इससे ज्यादा गेन ही नहीं कर रहे, राइट, अप्रोक्सीमेटली 55,000 रुपए तुम लूज करते जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी पहली जॉब जो है ना वो इतने की लगी है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज जो है ना तुम्हें सब्सिक्वेंट दिखाई देगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पर रहेगा, ठीक है। एक टाइम के बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो ये, देखो ये, देखो और यहाँ पर देखो, 1 साल बाद क्या डिफरेंस होगा, ये 1 साल बाद डिफरेंस देखो जरा, समझ में आ रहा है, ये बढ़ता चला जाएगा डिफरेंस, ये इतना वाइडन अप हो जाएगा जिसका कोई भी हिसाब नहीं है, ठीक है। अब अगर ये सोचो कि पहला पहली जॉब तुम्हारी 10 लाख रुपए की लगी, राइट, तो तुमको लग रहा है कि 5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, नहीं, 5 लाख का डिफरेंस नहीं आएगा, देखो ये देखो डबल हो गया यहाँ पर, जो अमाउंट तुमने डबल किया ना जो पहला स्किल चूज करते पे, उससे तुम्हारा अमाउंट हर साल ऑलमोस्ट डबल की सिचुएशन में चलेगा, हर साल तुम्हारा अप्रेजल भी डबल होगा, और यहाँ पर क्योंकि तुम, एक टाइम आ जाएगा जब तुम्हारा उस पैकेज के अकॉर्डिंग जो है वो जो कैरियर जो है वो नहीं बैठेगा, तो तुम्हें अप्रेजल दे दिया जाएगा, तुम्हें मैनेजमेंट में दे दिया जाएगा, कुछ दे दिया, तो ये 25 लाख जो है 35 लाख बनते देर नहीं लगेंगे, राइट। तो सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस नहीं आता है, एक्चुअल में डिफरेंस यहाँ पर आता है, देखो इधर 12 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, वॉपिंग 12 लाख का डिफरेंस, 1 लाख रुपए साल नहीं तुम लूज करते जा रहे हो हर साल, हर साल सोचो, 12 लाख का डिफरेंस क्या अफोर्ड कर पाओगे, राइट, 10 साल में ये डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारे पास। तो क्या करना है तुम्हें, राइट, पहली चीज ये है कि जो चूज करो स्किल जो लेटेस्ट हो, ताकि उस पर लॉन्ग टर्म तुम्हारा करियर बना रहे, ठीक है। और उसके बाद तुमको पैकेज भी ऐसा चूज करना, अब पैकेज अच्छा कब मिलेगा, जब स्किल्स अच्छे होंगे, जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन अच्छे होंगे, ठीक है, मेंटर अच्छा होगा जो तुम्हें गाइड करेगा कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेने कैसे हैं, ठीक है, गाइड कैसे करेगा एक एक पॉइंट के बारे में, क्योंकि तुमको नहीं पता इतने सारे स्किल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आस्क हिम, राइट, कि मुझे मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेशन लेना है जो मुझे मुझे इस लेवल पे एस्टेब्लिश कर दे, जहाँ पर मेरी पहली सैलरी जो है वो बहुत अच्छी लगे, ताकि मुझे, अब ये समझो ना, 10 लाख का, अगर 5 लाख का, 5 लाख का 50-10% का होगा, तो तुम्हारा 5 लाख 50,000, 85,000 मिलेगा ना, 85,000 मिलेगा ना 10%, और अगर 10 लाख का पैकेज लगा होगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा, राइट, समझ में आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेगा डिफरेंस है ना इसमें, इसका 10% और उसका 10% में। तो ये समझो कि पहली जॉब बहुत क्रूशल होती है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनकी जॉब जो है वो पहले कम सैलरी से स्टार्ट होती है और फिर ऐसे चली जाती है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है लोगों की जॉब ऐसे स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऐसी चली जाती है, ऐसे फिर उनका पैकेज बढ़ना बंद हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझने की जरूरत है कि मुझे स्किल कौन सा चूज करना है, ठीक है। और फिर कॉम्पिटिशन मार्केट में, ये भी बहुत ध्यान रखोगे, कॉम्पिटिशन भी है मार्केट में, तुम्हारी जगह अगर तुम्हारे पास स्किल्स ऐसे हैं जो बहुत जेनेरिक हैं, तो फिर कोई भी आके तुमको लात मार के चला जाएगा, राइट। तो कैसे पता चलेगा कि रिज्यूम बिल्डिंग, पहली बात तो रिज्यूम में समझ में होना चाहिए कि हमारे पास कोई फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं हो, अगर है तो लास्ट पेज पे कर दो उसको, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए, अब ये प्रोजेक्ट किसी भी चीज़ का हो सकता है, हो सकता है तुमने इंटर्नशिप की हो, वहाँ का टास्क है, अगर कहीं का इंटर्नशिप किया तो वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस देखो, वहाँ तुम क्या काम करते थे, क्या चैलेंजेस आते थे, क्या डील करते थे, कैसे करते थे, अगर कोडिंग का दे रहे हो तो कोडिंग, अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट, कुछ भी चीज़ अगर यहाँ पे मतलब प्रोजेक्ट प्रिपरेशन का मतलब है कुछ भी
वर्क जो कि कंपनी के वर्क से मैच करे, कंपनी के वर्क से मैच करे, राइट। तो उनको पता रहेगा कि यार ये बंदा ऑलरेडी करा हुआ है, मुझे उसको सिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हाउ डू यू नो व्हेन यू आर रेडी, राइट। आपके पास ऐसे कम से कम 3 सैंपल होने चाहिए वर्क के। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी भी रैंडम इंटरव्यू में 60 मिनट्स तक रैंडमली अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, देन यू आर रेडी, सो यू कैन जज फॉर योर सेल्फ। और अगर आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन निकाल रहे हो तो वैसे भी आप 60 मिनट बात कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, राइट, किसी भी इसके बीच में, राइट। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। कभी भी प्रोजेक्ट कॉपी मत करो, हमेशा ट्राई करो और दूसरे से बेहतर करने की कोशिश करो, अपने आप से कोड लिखो, अपने आप से सारा काम करो, एंड देन डन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, और ये मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये एक बोनस का पार्ट है, तो बोनस में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ जो कि मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फ्रेशर्स के लिए, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। वो कैसे होगा मैं अभी बताता हूँ आपको अगली वीडियो में, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you.